गाइज, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एडसेंस का बीटा वर्जन आने के बाद उसमें हम अपने यूट्यूब का सीटीआर कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। पहले मुझे भी आता था अच्छे से सीटीआर चेक करना, लेकिन बीटा वर्जन आने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, तो उसको हम देखेंगे आप कैसे कर सकते हैं। मैं अपना भी सीटीआर दिखा दूंगा आपको, उससे आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कितना तक सीटीआर ठीक रहता है और कितना ज़्यादा होने पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहता है। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सूर्यकांत और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टेक्निकल संग्रह में। तो गाइज, हम अपने लैपटॉप में या फिर अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल में डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद गूगल में गूगल एडसेंस सर्च कर लीजिए और वेबसाइट में चले जाते हैं। सबसे पहले अब यहां से हम अपने गूगल एडसेंस में साइन इन कर लेते हैं। गूगल एडसेंस ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में बहुत सारा मेन्यू दिखाई देते हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो दिखाई देने लगेगा। इसमें से हम लोग को रिपोर्ट्स के ऑप्शन में हम लोग को जाना है। रिपोर्ट्स में आने के बाद देख लीजिए ऊपर में बीटा वर्जन जो है वो ऑन दिखाई दे रहा है। ये ऑटोमेटिक ऑन रहता है पहले से ही, यही बीटा वर्जन आ चुका है हम लोग के गूगल एडसेंस में। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है हम लोग को अपना यूट्यूब का CTR चेक करने का। तो अगर CTR हम लोग को चेक करना है तो उसके लिए इस बीटा वर्जन को ऑफ करना है। यहाँ से पेज पूरा लोड हो जाने के बाद यहाँ पर एक फिल्टर लिखा हुआ है, उसके बगल में एक बक्सा बना है जिसमें प्लस एड लिखा है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स में जाएंगे, फिर प्रोडक्ट्स में आने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में यूट्यूब होस्ट करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोग को चेक करना है फिर अप्लाई कर देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्लिक्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें हम लोग को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग का CTR दिखाई देने लगा है, मेरे में 2.12% CTR चल रहा है। ये कितने दिन का है यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट 7 डे का ये दिखाई दे रहा है। इसमें क्लिक करके हम इसको टुडे का भी कर सकते हैं। अगर आज का हम लोग को चेक करना है तो आज का मेरा 2.08% CTR चल रहा है, और कल का देखना है तो यस्टरडे कर सकते हैं, महीने का भी देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जैसा भी हम लोग देखना चाहें। तो कल का मेरा 2.65% था, तो नॉर्मली मेरा लगभग 2% ही चल रहा है, 2 से 3% के बीच में मेरा CTR चल रहा है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि 2% के आसपास ही लगभग नॉर्मली रहता है। मैं और भी यूट्यूबर का देखा हूँ, 2% 3% रहता है। अगर आपका CTR एकदम ही ज़्यादा हाई चल रहा है और आपका चैनल नया है तब आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर चैनल बड़ा हो चुका है तब तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटा चैनल में क्या होता है, अगर आप ही कई बार अपना वीडियो को देख रहे हैं और आपसे एड क्लिक हो जा रहा है और बार बार क्लिक हो जा रहा है तो उससे आपका CTR हाई हो रहा है, तो वो इनवैलिड क्लिक के अंदर आता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा डरने की ज़रूरत है। और अगर आपका 10% या 15% तक जा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तब आपको YouTube को मेल भी करना पड़ सकता है। और अगर आप कुछ भी गलती नहीं किए हैं, अपने तरफ से गलती नहीं किए हैं, तब कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने वीडियो को कभी कभी देखते हैं और एड आ जाता है उसके बाद CTR हाई हो रहा है, तब तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि वो इनवैलिड क्लिक ही होता है वो सब। तो बस इनवैलिड क्लिक के कारण ही हमारा एडसेंस डिसेबल होता है, बाकी CTR से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और मैं तो अपने चैनल पे सभी एड रन करा रहा हूँ, मतलब नॉन स्किपेबल एड भी सभी वीडियो पे लगा हुआ है। उसके बाद भी CTR देखिए 2.65% दिखाई दे रहा है, ये कल का है। मतलब अधिकतर भी जाएगा भी तो ये 5% तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरा CTR। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे यूट्यूब से संबंधित जानकारियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी और साथ ही बहुत सारा और भी टेक्नोलॉजी संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। थैंक यू।